गुड इवनिंग क्लास, गुड इवनिंग एवरीवन। होप आप लोगों के पास पीडीएफ पहुंच गया होगा, राइट। तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास स्पेशल पर्पस गायब पर मैंने कुछ क्वेश्चंस के लिए बोला था। एक बार थोड़ा फास्ट वे में हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी रिकॉल करेंगे, राइट। तो वन बाय वन हम लोग क्वेश्चंस की स्टार्टिंग कर रहे हैं। सभी लोगों को स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है? राइट, एज सच स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन, तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग जस्ट, आपके पास पीडीएफ होगा, अगर विजिबिलिटी का कोई इश्यू हो तो उससे भी देख सकते हैं। अखिल, जिंदगी भर आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। कल मैंने क्या बोला था? फाइन, स्टार्ट करते हैं। चलिए, मुझे लगता है सभी लोग आ चुके हैं। फाइन, चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वॉइस में कोई इश्यू है क्या स्टूडेंट्स? फाइन, देखिए यस कमलेश, कुछ बोल रहे हैं क्या आप? फाइन, सभी को कोई, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन है, ए डिवाइस हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी क्लोज टू आइडियल वोल्टेज सोर्स। एक ही ऐसी डिवाइस है जिसका आइडियल वोल्टेज सोर्स जैसी कैरेक्टरिस्टिक है। रिवर्स बायस में जीना डायोड, जीना डायोड की फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक दिस है। रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन के बाद, आफ्टर ब्रेकडाउन, कॉन्स्टेंट वोल्टेज डिवाइस है। तो क्या कॉन्स्टेंट वोल्टेज का मतलब हम बोल सकते हैं वोल्टेज सोर्स जैसा करंट बदलती है, यहां पर वोल्टेज कांस्टेंट होता है? आंसर गोज टू जीनर डायोड, आंसर गोज टू जीनर डायोड। फाइन, क्लियर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पर मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, किसी वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में जीनर डायोड कहां कनेक्ट होता है? तो जीनर डायोड कनेक्टेड इन सीरीज विद फिल्टर आउटपुट गलत है। आउटपुट हमेशा लोड के पैरेलल में लगेगा, दिस इज रॉन्ग ओनली। जीना डायोड फॉरवर्ड बायस, ये भी गलत है। जीना डायोड ऑलवेज किस कनेक्शन पर होगा? रिवर्स बायस। कनेक्टेड इन पैरेलल विद फिल्टर आउटपुट, यस रिवर्स बायस, यस। तो ये थ्री एंड फोर सही है, दैट मीन्स ऑप्शन गोज टू बी, राइट। एक बार सर्किट देख लो, जीना डायोड वोल्टेज रेगुलेटर पर अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब लाइक दिस सर्किट था अपने पास, ये कोई यहां से इसको इनपुट मिल रहा होगा और ये लोड के अक्रॉस लगा होगा, इसके साथ एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा होगा लिमिटर, फर्दर यहां एक जीनर डायोड लगा होगा रिवर्स बायस मोड में, और फिर यहां एक आरएल लगा होगा, राइट। ये जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर का सर्किट है। इस पर जीनर पर बनने वाला वोल्टेज वीजेड है, इस पर बनने वाली करंट आईजेड है, यहां से बनने वाली करंट आईएस है, और यहां बनने वाली करंट आईएल है।
ये जीना डायोड का स्पेसिफिकेशन होता है। तो क्या हम कह सकते हैं प्रॉब्लम में, पहली बात तो रेगुलेटर को कहां लगाएंगे, क्रॉस लोड दैट इज पैरेलल, पिच कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन, फाइन। पैरेलल के अलावा क्या ऑप्शन वाइज ये बात क्लियर है, कनेक्टेड इन सीरीज नहीं हो सकता फिल्टर आउटपुट, फॉरवर्ड बायस नहीं हो सकता, कहां लगेगा ये, कोई भी फिल्टर के आउटपुट पर लगेगा, कनेक्टेड इन पैरेलल क्रॉस लगेगा, और किस कंडीशन में ऑपरेट होता है ये, रिवर्स बायस, तो 3 and 4 दैट मींस बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एवलांच ब्रेकडाउन, अगर हम बात करें एवलांच ब्रेकडाउन की, तो एवलांच ब्रेकडाउन इज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन द फिनोमेना ऑफ, एवलांच ब्रेकडाउन का मुख्य कारण क्या है, कोलिजन, डोपिंग, आयोनाइजेशन, रिकॉम्बिनेशन, सभी को क्लियर होगा एवलांच ब्रेकडाउन, इंपैक्ट आयोनाइजेशन नंबर ऑफ टाइम्स बताया था, एवलांच ब्रेकडाउन का मुख्य कारण क्या है, इंपैक्ट आयोनाइजेशन मुख्य रूप से किस घटना पर डिपेंड करता है, जो भी अंदर डिप्लीशन विड्थ के अंदर बॉन्ड होते हैं, मान लो यहां सिलिकॉन बोरान, यहां सिलिकॉन, यहां बोरान, या सिलिकॉन फिर बोरान, राइट, ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये मुख्य कारण क्या है स्टूडेंट्स, बॉन्ड के अंदर आपको एक फिगर याद होगा, राइट, यहां पर हम लोग कह सकते हैं एवलांच ब्रेकडाउन मुख्यतः किस पर निर्भर करता है, राइट, तो एवलांच ब्रेकडाउन इंपैक्ट आयोनाइजेशन पर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है यहां पर, कोलिजन की घटना होती है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक मैं आपको फिगर दिखा देता हूं, वहां से ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, सॉरी ये देखिए, एक मिनट, मैंने जब आपको जीनर पढ़ाया था तो जीनर पर एक बार जीनर का आप ब्रेकडाउन मैकेनिज्म कहीं पढ़ाई होगी, यस, तो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म पर, यस, मैंने पढ़ाया था रिवर्स बायस इंक्रीजेस फर्दर देन इलेक्ट्रॉन विद हाई काइनेटिक एनर्जी विल कोलाइड विद एटम एंड नॉकआउट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इन डिप्लीशन लेयर, ये डिप्लीशन लेयर से बाहर जाने लगते हैं, और ये एक मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है जिसको क्या कहा जाता है, एवलांच मल्टीप्लिकेशन, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एवलांच मल्टीप्लिकेशन, ये प्रोसेस किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स, एवलांच मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर मैंने आपको बताया था हो क्या रहा है एक्चुअल में, रिवर्स बायस बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन के अंदर बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी है, जिसकी वजह से कोलिजन का शिकार होता है, जब ये कोलाइड करता है किसी एटम से और नॉकआउट करता है ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन को, किसके अंदर, डिप्लीशन लेयर के अंदर, तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एवलांच मल्टीप्लीकेशन, इस प्रोसेस का नाम क्या है, एवलांच मल्टीप्लीकेशन। तो आपके पास मैंने ये फिगर बनवाया था, देखिए यहां पर सिलिकॉन पर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन, वेरी हाई काइनेटिक इलेक्ट्रॉन, इससे कोलाइड करेगा तो इसको रिप्लेस करेगा, फिर अगले से कोलाइड करेगा, फिर अगले से कोलाइड करेगा, तो एक से क्या बनेंगे, दो से क्या बनेंगे, चार से क्या बनेंगे, आठ से क्या बनेंगे, 16। इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंपैक्ट आयोनाइजेशन, दैट इज एवलांच मल्टीप्लीकेशन, क्या बोलते हैं, एवलांच मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या है, एवलांच मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस, इस कंप्लीट प्रोसेस का नाम क्या है, एवलांच मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस, राइट। अगर ये केवल पूछा जाए, अगर यहां पर इसी क्वेश्चन पर सुनिए, अगर इसी क्वेश्चन पर केवल ये पूछा जाए, एक मिनट, केवल आयोनाइजेशन ऑप्शन है, स्टूडेंट्स अगर ऑप्शन एवलांच नहीं है,
सॉरी, अगर कंप्लीट वे में तब फिर कोलिजन ही बेटर ऑप्शन होगा। अगर यहां पर आयोनाइजेशन के साथ साथ एग्जैक्ट वर्डिंग पर होता इंपैक्ट आयोनाइजेशन, कंप्लीट वर्ड इंपैक्ट आयोनाइजेशन, अदरवाइज एवलांच मल्टीप्लिकेशन, तो ये बेस्ट होता। एवलांच मल्टीप्लिकेशन ये बेस्ट होता, राइट। कंप्लीट वे में डिफाइन किसके द्वारा होगा? ये मल्टीप्लिकेशन के द्वारा, लेकिन एवलांच मल्टीप्लिकेशन ऑप्शन नहीं है। तो यहां पर इससे बेस्ट प्रायोरिटी पर ऑप्शन कौन सा दिया है? कोलिजन दिया है, राइट। देन आंसर गोज टू कोलिजन। एवलांच ब्रेकडाउन मुख्य रूप से किस घटना पर होता है? आयनाइजेशन, इंपैक्ट आयनाइजेशन। बट यहां पर बात डिपेंडेंसी की हो रही है और आयनाइजेशन के साथ वर्ड कंप्लीट नहीं लिखा। इंपैक्ट आयोनाइजेशन इज द बेस्ट आंसर। इंपैक्ट आयोनाइजेशन इज द बेस्ट आंसर, अदरवाइज एवलांच मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने आपको जब समरी लिखवाई थी, दोनों में एक कंपेरिजन करवाया था, देखिए, तो मैंने वहां लिखवाया था, राइट, इस पर यहां पर मैंने आपको एक आंसर लिखवाया था। एक्चुअल में जो मैकेनिज्म होती है, राइट, एक्चुअल में जो मैकेनिज्म होती है जीनर पर रप्चरिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होता है और यहाँ इंपैक्ट आयोनाइजेशन होता है, राइट। कौन सा ऑप्शन होता है? इंपैक्ट आयोनाइजेशन। इसको पूरे कंप्लीट प्रोसेस को एवलांच मल्टीप्लिकेशन कहते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंपैक्ट आयोनाइजेशन। एक बार आप लोग लिख लीजिए साइड में इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग लिख लीजिए, राइट, और इसमें प्रॉपर वर्ड लिख लीजिए, इंपैक्ट आयोनाइजेशन। मैं इसको हटा देता हूं। अगर यहां इंपैक्ट आयोनाइजेशन वर्ड मिलेगा तो वो बेस्ट होगा। आयोनाइजेशन के साथ क्या होना चाहिए? इंपैक्ट आयोनाइजेशन पहली प्रायोरिटी, हमेशा इंपैक्ट आयोनाइजेशन है। अगर ये ना मिले तो आंसर में मिलना चाहिए एवलांच मल्टीप्लीकेशन। एवलांच मल्टीप्लीकेशन। और अगर ये भी ना मिले, ये दोनों ना मिले, तब आप थर्ड पर जाएंगे, कोलिजन पर, राइट। तो आयोनाइजेशन जहां लिखा है उसके आगे या तो इंपैक्ट लगा लीजिए, इंपैक्ट आयोनाइजेशन, तब बेस्ट आंसर क्या होगा? इंपैक्ट आयोनाइजेशन। और अगर ये नहीं है तो फिर कोलिजन को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, राइट। पहला ऑप्शन, अगर ऑप्शन में इंपैक्ट आयोनाइजेशन दिया है तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, आयोनाइजेशन की जगह इंपैक्ट आयोनाइजेशन होगा, करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। एक मिनट, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? एवलांच ब्रेकडाउन का मुख्य कारण क्या है स्टूडेंट्स? इंपैक्ट आयोनाइजेशन। ये ऑप्शन में नहीं है तब एवलांच मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों नहीं है तब कोलिजन पर जाएंगे। अब से एक मेरी बात क्लियर है यहां तक? हाँ, तो क्वेश्चन में आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। कमलेश, गॉट माय पॉइंट? फाइन, फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू इंपैक्ट आयोनाइजेशन। ये यहां पर वर्डिंग मिस है, इंपैक्ट शुड बी देयर, फाइन। और अगर इंपैक्ट आयोनाइजेशन नहीं है तब एवलांच मल्टीप्लीकेशन। अगर ये दोनों नहीं है तब फिर कोलिजन पर जाएंगे, राइट। तो इसको करेक्ट कर लीजिए। अगर सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो आंसर ऑप्शन में क्या होना चाहिए? इंपैक्ट आयोनाइजेशन, फाइन, कोई इशू तो नहीं इसमें? कोलिजन होगा कैसे इरफान? कोलिजन का कॉज क्या है? हाई काइनेटिक एनर्जी। और हाई काइनेटिक एनर्जी बन क्यों रही है? क्योंकि अंदर आयोनाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, राइट, तब कोलिजन स्टार्ट होंगे। अपने आप थोड़ी ना कोलिजन स्टार्ट हो जाएंगे, पहले हाई काइनेटिक एनर्जी बनेगी तब भिड़ना स्टार्ट होगा। इरफान, गॉट इट? मेरा पॉइंट क्लियर है? अरे जल्दी बोलो,
पहले अंदर क्या बनेगा, हाई काइनेटिक एनर्जी। यस, चलो किसी को थर्ड में कोई इश्यू तो नहीं? थर्ड का बेस्ट आंसर इंपैक्ट आयनाइजेशन है, ये ना होता तो फिर एवलांच होता, ये दोनों नहीं है तब कोलिजन पर जाएंगे, कोलिजन ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होता। देखो पीडीएफ में मैंने आपको बताया था, साफ साफ लिखवाया था वहां, जीनर में वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, रप्चरिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कैरियर कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, करंट वैल्यू इंक्रीजेस, बट लो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर टू जीनर, वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्रेकिंग बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, जब अंदर आयनाइजेशन फास्ट होगा तब इलेक्ट्रॉन पर वेरी हाई एनर्जी मिलेगी और ये कोलाइड करने लगेगा एटम से, इसी घटना को कहते हैं इंपैक्ट आयनाइजेशन। राइट, वर्ड इंपैक्ट भी होना चाहिए था। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एवलांच मल्टीप्लीकेशन, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह। फाइन, नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट का आंसर बताइए। जीनर डायोड इज यूज्ड एज द मेन कंपोनेंट, ये इन होगा, इन डीसी पावर सप्लाई फॉर, जीनर डायोड का मुख्य यूज कहां करते हैं, रेक्टिफिकेशन गलत, फिल्ट्रेशन गलत, राइट हमारा मेन काम जीनर डायोड पर क्या है? यस, वेरी गुड, वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। तो अभी तक हमने चार क्वेश्चंस में, सभी में ऑप्शंस देख लिए हैं चारों में, और फोर्थ में मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई डाउट है। थर्ड का डाउट सभी को क्लियर है, आंसर गोज टू इंपैक्ट आयनाइजेशन बेस्ट, ये नहीं होता तब एवलांच, ये दोनों नहीं होते तब कोलिजन पर जाते। फाइन, पांचवें पर चलिए। एवलांच ब्रेकडाउन पीएन जंक्शन डायोड में कब घटित होता है? फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट? केवल रिवर्स बायस, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का यहां कोई रोल नहीं है, आंसर गोज टू रिवर्स बायस, फर्स्ट शब्द में, राइट चाहे जीनर ब्रेकडाउन हो चाहे एवलांच, दोनों रिवर्स। अगला, अगर बात की जाए, वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन तुरंत आंसर रिप्लाई करेंगे। जीनर डायोड कैसा है, जीनर डायोड कैसा है स्टूडेंट्स? हैवली डोप्ड, लाइटली डोप्ड, रिलेटिवली हाईली डोप्ड, बताया था एवलांच लाइटली डोप्ड होता है। सिक्स्थ का ए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, राइट ऐसे रिप्लाई करो। सिक्स का ए है, क्या कुछ लैग कर रहा है क्या स्टूडेंट साउंड वॉइस में, कोई लैगिंग प्रॉब्लम तो नहीं है? बस स्क्रीन पर ही बता दो आप लोग, प्रॉपर चल रहा है सब? ठीक है, आपके यहां सिस्टम में कुछ इश्यू होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेवेंथ देखते हैं। एक जीनर डायोड मुख्यतः ऑपरेट होता है, जीनर डायोड इज जनरली ऑपरेटेड इन ए रिवर्स बायस मोड, राइट, इन ए फॉरवर्ड बायस मोड विद ए वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ रिवर्स बायस, नन ऑफ दी, जीनर डायोड नॉर्मल, फॉरवर्ड, रिवर्स बायस, आंसर गोज टू ए, राइट, क्लियर। नेक्स्ट एवलांच, अगर एवलांच डायोड की बात की जाए तो एवलांच डायोड पर ये जीनर की तरह सेम होता है? नहीं, जीनर की तरह सेम नहीं होता, जीनर से अलग है। ऑपरेटेड इन द फॉरवर्ड बायस मोड, गलत है, तो ये दोनों ही गलत हैं, सब गलत हो गए। हाँ, इज यूजुअली ऑपरेटेड इन द रिवर्स बायस, यस, एवलांच भी कहां ऑपरेट होता है? मैंने बताया था जीनर और एवलांच घटनाएं हैं, राइट, जीनर लो वोल्टेज पर है, एवलांच हाई वोल्टेज पर है, दैट्स ऑल, लेकिन होता किस पर है? रिवर्स बायस, सो यूजुअली ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस मोड। फाइन, कोई इशू तो नहीं इसमें? चलो नेक्स्ट देखो, नाइन्थ, डायनेमिक इंपीडेंस, डायनेमिक इंपीडेंस ऑफ जीनर डायोड, डायनेमिक इंपीडेंस आपको याद होगा, देखो स्टूडेंट्स
डायनेमिक इंपीडेंस की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा, स्पेस नहीं है, मैं यहां बता देता हूं आपको। देखो एक करेक्टरिस्टिक मैंने पढ़ाई थी, यस, देखिए इधर जीनर पर मैंने दो तरह की करेक्टरिस्टिक आपको बताई थी, एक करेक्टरिस्टिक लाइक दिस होगी और एक करेक्टरिस्टिक लाइक दिस होगी। आप देख पा रहे हैं जहां जीनर ब्रेकडाउन पर गया तो वोल्टेज में थोड़ा बदलाव, करंट में ज्यादा बदलाव, इसी को कहते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ जीनर। तो चेंज इन जीनर वोल्टेज टू द चेंज इन जीनर करंट, डेल्टा वीजेड, वोल्टेज में कितना बदलाव और करंट में कितना बदलाव, दैट इज डेल्टा वीजेड अपॉन डेल्टा आईजेड। याद है सभी को, पढ़ाया था ये डायनेमिक रेजिस्टेंस आर इंपीडेंस। एसी अगर होता तो इंपीडेंस वर्ड यूज करते हैं जैसे, फाइन, तो डायनेमिक इंपीडेंस आर डायनेमिक रेजिस्टेंस। यस यस यस, 1/10 pi, करेक्ट, गुड। अब देखो कहां गया, सॉरी, इसका मतलब जीनर डायोड की, अच्छा एक मिनट, ये रेशियो नहीं पूछा इसने, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन करंट थ्रू इट, डिक्रीज विद द इंक्रीज इन करंट थ्रू इट, इंडिपेंडेंट ऑफ करंट, नो। आरजेड का मतलब है डेल्टा वीजेड अपॉन डेल्टा आईजेड, अगर करंट बढ़ेगी तो आरजेड घटेगा, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन करंट, नो, करंट बढ़ाओगे तो ये घटेगा, तो ये तो गलत है। डिक्रीज विद द इंक्रीज इन करंट, यस, इसका मतलब बी करेक्ट है, इंडिपेंडेंट ऑफ करंट गलत, नन ऑफ दीज गलत, आंसर इज बी, यू कैन चेक इट, आंसर इज बी, राइट, फाइन। देयर आर टू सेमी कंडक्टर डायोड ए एंड बी, वन ऑफ देम इज जीनर, अदर वन एवलांच। एक की रेटिंग, पहले वाले की रेटिंग 6.1 की 6.2 है, बी की 24 है। आपको पता है स्टूडेंट्स, यहां पर जो पॉसिबिलिटी है, 6 पर जनरली आपके पास जीनर मैकेनिज्म होगी, 24 पर आपके पास एवलांच होगी। हालांकि ध्यान देना एक्चुअल में 6 से ऊपर वाला जीनर पर जाता है, राइट, तो ये दोनों ही जीनर पर आते, दोनों ही एवलांच पर आते, लेस देन 6 को हम लोग जीनर तक मानते हैं। बट मैंने आपको जब रेटिंग लिखवाई थी तो बताया था जीनर पर ब्रेकडाउन वोल्टेज हाई वैल्यू भी हो सकती है, तो इन दोनों में अगर तुलना की जाए तो कौन सा एवलांच को रेफर होगा, 24, अदरवाइज लेस देन 6 वोल्ट को क्या मानते हैं जीनर, ये भी 6 से ज्यादा लिखा है, लेकिन एग्जाम में इसी डाटा के साथ आया था। तो यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि दोनों ही एवलांच हैं, है क्या ऐसा कोई ऑप्शन, इस वजह से यहां पर ए जीनर बी एवलांच, अदरवाइज अगर ऑप्शन होता दोनों ही एवलांच मैकेनिज्म पर हैं तो वो आंसर बेस्ट होता, फाइन। तो यहां पर ए इज जीनर, बी इज एवलांच, 6 के आसपास को क्या मान लिया जीनर, 6 से बहुत ज्यादा को क्या मान लिया एवलांच, कोई दिक्कत, बात क्लियर है क्या यहां तक, फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 3 आइडेंटिकल जीनर डायोड व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, 3 जीनर डायोड हैं जो कि श्रेणी क्रम में लगे हैं और तीनों का ब्रेकडाउन वोल्टेज 18 है, तो अकेले अकेले का, सिंगल सिंगल का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होगा, 3 सीरीज में लगे हैं जीनर, 3 अगर सीरीज में जीनर लगे हैं तो क्या तीनों का मिलाकर वोल्टेज 18 है, तो अलग अलग का 6, 6 और 6 नहीं हो जाएगा, तो आंसर गोज टू 6, करेक्ट, फाइन, दैट मींस आंसर इज बी। फिर से सुन लो, 3 जीनर डायोड आपस में श्रेणी क्रम में लगे हैं, इनका कुल ब्रेकडाउन 18 है, तो अलग अलग का ब्रेकडाउन कितना होगा प्रत्येक का, 18/3, 6 वोल्ट,
द इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ ए जीनर डायोड आर, इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन यहां तीन होते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज, पावर डिसिपेशन, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ब्रेकडाउन वोल्टेज भी सही है, पावर डिसिपेशन भी सही है। ब्रेकडाउन वोल्टेज, डायनेमिक इंपीडेंस, वेरी गुड, पावर डिसिपेशन ये और अच्छा है, ब्रेकडाउन वोल्टेज एंड डायनेमिक इंपीडेंस ये भी सही है, इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है तीनों? अगर डाटा वाइज बात करें, ब्रेकडाउन वोल्टेज, डायनेमिक इंपीडेंस और पावर डिसिपेशन, ये तीनों ही जीनर डायोड के स्पेसिफिकेशन है। तो जीनर की जहां रेटिंग डिफाइन करते हैं वहां पर ब्रेकडाउन वोल्टेज, उसका डायनेमिक इंपीडेंस, उसका पावर डिसिपेशन तीनों पता हो तो सबसे बेस्ट है, राइट? तीनों पता हो तो सबसे बेस्ट है, राइट? तो गलत पहला भी नहीं है, गलत सी भी नहीं है, बट बेस्ट कौन सा है? बी, जिसमें ब्रेकडाउन, डायनेमिक इंपीडेंस, पावर डिसिपेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द जीनर एंड एवलांच ब्रेकडाउन करंट फ्लोज ड्यू टू। अब देखो, जीनर और एवलांच ब्रेकडाउन डायोड करंट फ्लो ड्यू टू किसकी वजह से फ्लो करेंगी? मेजॉरिटी, माइनॉरिटी? रिवर्स बायस पर ऑलवेज माइनॉरिटी किसकी वजह से करंट फ्लो करेगी? ओनली एंड ओनली माइनॉरिटी, राइट? रिवर्स बायस करंट किसकी वजह से फ्लो करेगी स्टूडेंट्स? ओनली एंड ओनली माइनॉरिटी। सो आंसर गोज टू ए, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। नेक्स्ट, रिवर्स बायस में कभी भी बात हो ऑलवेज माइनॉरिटी। बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो भी स्टूडेंट जो लगा होगा रिवर्स बायस उसकी वजह से भी कौन से चार्ज कैरियर? माइनॉरिटी, लेकिन बढ़ बहुत जाते हैं बॉन्ड ब्रेक होने पर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इसलिए लार्ज करंट फ्लो करती है। क्वेश्चन नंबर 14, द ब्रेकडाउन दैट अकर्स इन रिवर्स बायस इन ए नैरो जंक्शन। नैरो जंक्शन का मतलब संकीर्ण है, तो आपको याद होगा जीनर में डोपिंग हाई होती है तो जंक्शन नैरो होता है, पढ़ाया था। सो बात शायद ये जीनर की हो रही है, द जीनर ब्रेकडाउन, आंसर गोज टू ए। अगर नैरो जंक्शन है, संकीर्ण जंक्शन है, तो ये किसकी बात हो रही है? जीनर की। द एवलांच ब्रेकडाउन गलत, आइदर जीनर एवलांच गलत, तो है ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रेकडाउन जो रिवर्स बायस में घटित होता है वाइडर जंक्शन, वाइडर जंक्शन का मतलब रिलेटिवली, पढ़ाया होगा रिलेटिवली लाइटली डोप्ड होता है ये एवलांच, रिलेटिवली लाइटली डोप्ड। तो क्या उसकी तुलना में एवलांच पर, उसकी तुलना में एवलांच पर वाइडर जंक्शन बनता है, मतलब वाइडर हो जाएगा ये, और अगर ये वाइडर हो गया इसका मतलब आंसर गोज टू एवलांच। एक बार 14 और 15 में किसी को दिक्कत तो नहीं? 14, 15 मैं आपको पढ़ा चुका हूं, एवलांच वाइडली होता है, जीनर पर नैरो, जीनर पर हैवली डोप, एवलांच पर लाइटली डोप, रिलेटिवली पढ़ाते समय बताया होगा। यस, फाइन, अगले पर मूव कर सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम लोग, हाँ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16 पर बोला गया द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ ए ब्रेकडाउन डायोड। टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ ब्रेकडाउन डायोड बताया था मैंने आपको, डी वी जेड अपॉन डी टी, याद करिए, जीनर और एवलांच दोनों में पढ़ाया था, राइट? जीनर का निगेटिव होता है और एवलांच का पॉजिटिव, जीनर का निगेटिव, एवलांच का पॉजिटिव, माइनस का 0.1% पर डिग्री सेंटीग्रेड, पढ़ाया होगा नहीं? अरे ना ना ना, ना कहां पढ़ाया था, बिल्कुल बिल्कुल, देखो संदीप कहां पढ़ाया था, बोल तो आप कुछ सकते ही नहीं, विद प्रूफ के साथ बैठा हूं अभी मैं। हाँ, ये क्या लिखा है, ये पढ़ाया था बिल्कुल प्रूफ के साथ,
डीवी जेड बाई डी टी जीनर में -0.1%, एवलांच में +0.1%, राइट। वोल्टेज के साथ टेम्परेचर के साथ वेरिएशन, जिस संदीप ने लिखा उसकी बात हो रही है एसकेडी। हाँ, गलती से आपका भी नाम संदीप है, तो इमोशनल मत हो, वैसे हो एक ही थाली के। वो बोल गया, आप बोले नहीं, चलो फाइन। क्या है क्वेश्चन? अच्छा सॉरी, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ ए ब्रेकडाउन डायोड पूछा है स्टूडेंट, सॉरी, टेम्परेचर कोफिशियंट पूछा है, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं डीवी जेड बाई डी टी इज डिफाइंड एज द वेरिएशन इन ब्रेकडाउन वोल्टेज विद टेम्परेचर। हाँ ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस कलर इज द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी, गलत गलत, ठीक है, आंसर गोज टू ए, यही आंसर, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पूछा है, डीवी जेड बाई डी टी पूछा है, तो चेंज इन वोल्टेज टू द चेंज इन टेम्परेचर। अरे डी का मतलब डेल्टा ही तो होगा, डेल्टा वी जेड अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वोल्टेज टू द चेंज इन टेम्परेचर, डी को डेल्टा भी लिख सकते हो, राइट, फाइन। क्वेश्चन नंबर 17, कोई इश्यू तो नहीं इसमें? क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी देखिए, टाइम मत वेस्ट करिए। जीनर ब्रेकडाउन डायोड, जीनर ब्रेकडाउन डायोड पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होता है, कौन सा होता है? टेम्परेचर से स्वतंत्र होता है, यस, जीनर ब्रेकडाउन निगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, करेक्ट, बिल्कुल, वेरी गुड, सभी का सही है, अगला भी सही रिप्लाई किया आप लोगों ने, वेरी गुड। अब इसके बाद 18 पर, अच्छा ये पूछा है 18 पर पूछा है एवलांच ब्रेकडाउन डायोड, तो एवलांच पर कौन सा होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, पीटीसी, टीवी जेड बाई डी टी प्लस का 0.1, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू भी बताई थी आपको। एवलांच ब्रेकडाउन में डीवी जेड बाई डी टी प्लस का होता है, तो एवलांच में निगेटिव गलत होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट गलत होगा, नन ऑफ दीज गलत होगा। एक जीनर डायोड, स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर तो है, कोई इश्यू तो नहीं? फाइन, एक जीनर डायोड कब खत्म हो सकता है, नष्ट हो जाता है? जब ये फॉरवर्ड में हो, जब ये रिवर्स में हो, जब ये मोर देन रेटेड करंट को कैरी करे, यस, कब डैमेज होगा? आंसर इज सी, जब, देखिए जीनर पर, ये जो जीनर डायोड है, जीनर डायोड पर अगर हम बात करें करंट की, वोल्टेज तो फिक्स है वीजेड, अगर ये आईजेड करंट अपने रेटेड मान से, सेफ करंट से ज्यादा हो जाए, तो क्या स्टूडेंट्स पीजेड जो होगा वो इतना ज्यादा हो जाएगा, जैसे एक बल्ब है जिसकी क्षमता 100 वाट की है और उस पर 200 वाट पावर बनने लगे, तो बचेगा क्या? तो अगर जितनी इसकी क्षमता है उससे ज्यादा की रेटेड करंट इस पर पहुंच गई, तो क्या जीनर बचेगा? जीनर बर्नआउट हो जाएगा, बताया था, तो मोर देन रेटेड करंट इसका बेस्ट आंसर है, फॉरवर्ड रिवर्स का तो कोई मतलब ही नहीं है यहां, कैरी इज मोर देन रेटेड करंट, ब्रेकडाउन का मतलब ही रिवर्स है, इटसेल्फ रिवर्स है, तो आंसर इज सी। एक सीरीज रेजिस्टेंस जीनर सर्किट पर कनेक्ट किया गया है, किस लिए? प्रॉपरली रिवर्स बायस करता है जीनर को, प्रोटेक्ट करता है जीनर को, क्वेश्चन देखते जाना है स्टूडेंट्स, प्रोटेक्ट करता है जीनर को, रिवर्स बायस करता है, फॉरवर्ड करता है जीनर को, नन ऑफ दीज, केवल और केवल जीनर को प्रोटेक्ट करेगा, क्यों? देखो, अगर देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा सर्किट,
जीनर का रेगुलेटर सर्किट। अब एक बात बताओ, अगर यहां पर आरएस लगा है, फाइन, क्या लगा है, सीरीज रेजिस्टेंस, जितना रेजिस्टेंस का मान बढ़ाता जाऊंगा आईएस करंट कम होती जाएगी, और आईएस करंट कम होती जाएगी तो जीनर पर करंट कम पहुंच जाएगी, राइट, क्योंकि लोड फिक्स है। तो जितनी ये वाली इनपुट करंट, मान लो पहले 100 मिली एम्पियर थी और अब ये 50 मिली एम्पियर हो गई, अगर ये 50 है तो अब यहां करंट और कम जाएगी, यहां 30 हो जाए तो यहां और कम करंट जाएगी, तो क्या जीनर सेफली ऑपरेट हो जाएगा, राइट। तो जीनर को प्रोटेक्ट करने के लिए आरएस की वैल्यू का सिलेक्शन करते। तो कभी पूछा जाए सीरीज रेजिस्टेंस क्या करता है, तो जीनर को प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन था आपके पास, राइट, दैट इज सीरीज रेजिस्टेंस जो जीनर के सर्किट में लगा होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है जीनर को। नेक्स्ट, जीनर डायोड कैसी है, डिवाइस है, सॉरी, नॉन लीनियर, लीनियर, एम्पलीफायर। तो ना तो जीनर एम्पलीफायर है ना तो ये लीनियर है, केवल क्या है, नॉन लीनियर। जीनर कैसी डिवाइस है, नॉन लीनियर। कैरेक्टरिस्टिक आपको क्लियर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। एक जीनर डायोड में ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, अनडिफाइंड, राइट। फिर लिखा है सार जीरो, नन ऑफ द अबव। आपको याद होगा जीनर में ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत सार पाता है, स्टूडेंट्स, जीनर में ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत सार पाता है। देखिए जीनर, ये प्रैक्टिकल करेक्टरिस्टिक है, और जब मैंने जीनर स्टार्ट किया था तो आपको आइडियल करेक्टरिस्टिक भी बताई थी जीनर की, जब भी स्टार्ट किया हुआ, यस। देखो सार्प ब्रेकडाउन, जीनर में कैसा ब्रेकडाउन है, सार्प। एवलांच में ब्रेकडाउन कैसा होता है, ऐसा, राइट। जीनर का ब्रेकडाउन बहुत शार्प है, जीनर का ब्रेकडाउन बहुत शार्प है, एग्री। तो इसका मतलब क्या ये अनडिफाइन है, नहीं, डिफाइन है। तो योर आंसर शुड बी, सॉरी, देखिए क्वेश्चन था एक जीनर डायोड में ब्रेकडाउन वोल्टेज अनडिफाइन होता है, नो, शार्प होता है, यस, जीरो होता है, नो, नन ऑफ दीज, गलत। कौन सा आंसर बेस्ट है, शार्प, फाइन। जीनर में ब्रेकडाउन शार्प होता है, इसमें कोई इश्यू तो नहीं, हाँ, थोड़ा थोड़ा जो हमारे पास टिल्टिंग बढ़ेगी वो एवलांच में ज्यादा बढ़ेगी, फाइन, क्लियर है यहां तक सबको, चलो नेक्स्ट, यस कमलेश बोलिए, राइट करो स्टूडेंट्स, जल्दी बोलो कमलेश, जल्दी, फास्ट, ओके, चलो। अब 23 पर, बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, 23 पर एक जीनर डायोड यूटिलाइज करता है कैरेक्टरिस्टिक वोल्टेज रेगुलेशन पर, कौन सी, तो जीनर की ये कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड बायस नॉर्मल डायोड, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक को ही यूटिलाइज करते हैं। तो जीनर डायोड की किस कैरेक्टरिस्टिक का हम यूज करते हैं, फॉरवर्ड या रिवर्स, रिवर्स। तो जीनर डायोड की याद है सबको, जीनर डायोड पर ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका कोई यूज नहीं है, बट रिवर्स बायस वाली कैरेक्टरिस्टिक का यूज है, कहां, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में। इसलिए वोल्टेज रेगुलेशन के लिए जीनर डायोड की हम रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक को यूटिलाइज करते हैं, राइट, फाइन, यहां तक किसी को कोई इशू नहीं है। अगला बताइए 24, जीनर डायोड 24 की बात हो रही है स्टूडेंट्स, जीनर डायोड कैन बी यूज्ड एज, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है, फिर भी समझ लें, जीनर डायोड कैन बी यूज्ड एज फॉर डीसी वोल्टेज रेगुलेशन, फॉर एसी वोल्टेज रेगुलेशन, फॉर बोथ। तो स्टूडेंट्स जो लोग पढ़ चुके हैं जीनर पर न्यूमेरिकल्स, मैंने जीनर पर एसी पर भी न्यूमेरिकल कराया था, राइट, अगर एसी सप्लाई भी है
राइट right? अपने पास एसी सप्लाई भी है, तो क्या एसी सप्लाई पर भी रेगुलेशन को करता है ये? यस, फॉर एसी एंड डीसी बोथ, फॉर एसी एंड डीसी बोथ। जिन लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है न्यूमेरिकल्स पार्ट, राइट, तो वो अभी इस बात को केवल मान ले कि जीनर पर वोल्टेज रेगुलेशन एसी और डीसी दोनों पर होता है, फाइन। हाँ, जो लोग कर चुके हैं क्लास में, न्यूमेरिकल नहीं कराया था स्टूडेंट्स, एसी का ग्राफ था। अब सी लिखा तो क्या लिखा है स्टूडेंट्स, पहले लिखना चाहिए था। चलो हाँ, जिन लोगों ने भी रेगुलेटर सर्किट्स नहीं पढ़े हैं वो वरीनेस नहीं लेंगे इस 24 क्वेश्चन की, उसकी चिंता नहीं करेंगे, राइट। जब अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा तो दोनों पार्ट आपको दिखाई देंगे। शुभम यादव, क्लास में क्वेश्चन नहीं कराया मैंने ब्रेकडाउन पर, बोझ हो स्टूडेंट्स। हाँ देखो, क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं आपको, आज जाकर चेक करना। एट साइन ओमेगा टी यहां रहा 4 वोल्ट का जीनर ब्रेकडाउन रेगुलेशन, यहां एक लोड लगा था, सॉरी यहां एक नॉर्मल डायोड लगाया था, और यहां आरएल लगवाया था, ठीक है। जीनर पर सबसे लास्ट क्वेश्चन देखना, ठीक है। किस बैच, कौन सा बैच है आपका? और थोड़ा मैं आप लोगों के साथ वालों से पूछवा देता हूं, जिन लोगों ने क्लास की होगी। हाँ, दो चार जो मुझे लगता है, हर्षवर्धन, हाँ हो चुका है, राइट, ग्राफ बनवाया था इस पर मैंने। शुभम यादव बताओ तो कौन सा बैच है, लिखने से पहले सोचा करो क्या लिखते हो। अपलोडेड में नहीं, ऑफलाइन क्लास में कराया है। हाँ मुकेश, क्लास में हुआ है नहीं बताया मैंने एसी वाला। चलो लिखते समय सोचते भी नहीं हो, नहीं कराया सर, इसीलिए बोलता हूं धरती के बोझ हो, अननेसेसरी टाइम खराब करना। हाँ काऊ बैच को नहीं करा, सॉरी चट्टान बैच को नहीं कराया, राइट, दैट इज ट्रू। फाइन, अच्छा चट्टान ही हो। हाँ तो चट्टान तो पहले इतनी देर से कर क्या रहे थे, इसीलिए कहता हूं धरती के बोझ हो। हाँ 5 मिनट खराब कर दिए। हाँ नेक्स्ट, सॉरी स्टूडेंट्स, और लिखते समय सोचते भी नहीं हो, है ना, बोले सर कहाँ कराया है, नहीं कराया, सॉरी। देखो अब आ गया बीच में तो बता दिया, एज द जंक्शन टेम्परेचर इंक्रीजेस
द ब्रेकडाउन पॉइंट फॉर जीनर मैकेनिज्म, जंक्शन टेम्परेचर को यदि बढ़ाया जाए तो ब्रेकडाउन पॉइंट फॉर जीनर मैकेनिज्म। देखिए स्टूडेंट, जीनर के लिए बात हो रही है तो जीनर के लिए डीवी जेड बाई डी टी का मान -0.1 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है, स्पेस कम है समझ लेना, राइट। तो क्या ये घटता है बढ़ता है, क्या रिप्लाई किया आप लोगों ने? एक सेकेंड, बी 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 डिक्रीज, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये एवलांच होता तो इंक्रीज करता, राइट, एवलांच होता तो इंक्रीज करता। नेक्स्ट, अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 26, रप्चर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विल अकर व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड 2×10^5 2×10^5 more than 10^5 वोल्ट। यस, आंसर गोज टू डी। रप्चर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कब होता है? जब 10^5 2×10^5 एक्चुअल मान होता है, 2×10^5। ये अभी उस दिन पहले ही पढ़ाया होगा, कहीं लिखवाया होगा, टिपिकल वैल्यू कहीं लिखवाई होंगी। अगर देखो टिपिकल मान पर कहीं बताया होगा कितने की फील्ड लगती है, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू इज हाई 2×10^5 जीनर में, एवलांच में रिलेटिवली लो होती है। तो मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 26 सभी को क्लियर है, डी। क्वेश्चन नंबर 27 पर मूव करिए। यस, 27, अगर 15 वोल्ट का जीनर डायोड है तो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। हाँ, मैंने कहा था दुनिया में डायोड एक ही होता है, मैकेनिज्म दो अलग अलग होती हैं। तो एवलांच मैकेनिज्म या जीनर मैकेनिज्म, 6 वोल्ट से ऊपर तो कौन सी मैकेनिज्म? यस, दैट शुड बी एवलांच। कभी पूछा जाए क्या 50 वोल्ट का जीनर होता है? यस होता है, जीनर के अंदर मैकेनिज्म होती है दो, एवलांच और जीनर। तो जीनर डायोड 50 वोल्ट पर भी होता है स्टूडेंट्स, 100 वोल्ट पर भी होता है, UPRVNL क्वेश्चन, राइट। लेकिन जो 100 वोल्ट वाली मैकेनिज्म है वो एवलांच मैकेनिज्म। जीनर एक डायोड जो जीनर बना है, हाँ केस, किसको क्लास करा रहे हो? राइट, अरे 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 दिखा दो दिखा दो, राइट, अरे ले आओ सामने ले आओ, राइट, बोल दो उसको हेलो भाई। देखो खुद ही डर गया, राइट, वो भी समझ गया बैच पे चट्टान बैच है, राइट, फाइन। दुनिया डरती है स्टूडेंट चट्टान से, घबराओ नहीं। हाँ, वो छोटा बच्चा है वो समझ गया बैच चट्टान है इसमें, मैं सामने से हट जाऊं तो ज्यादा अच्छा है, डर जाएगा वो, राइट। 15 वोल्ट जीनर डायोड है तो बिल्कुल होगा, बट 15 वोल्ट में 90% कौन सी मैकेनिज्म होगी? एवलांच। तो किस मैकेनिज्म है? एवलांच होगी जीनर भी, बट मैक्सिमम कौन सी मैकेनिज्म होगी? एवलांच, बताया था, आंसर गोज टू एवलांच। 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28, फाइन। एक जीनर डायोड जिसमें नैरो डिप्लीशन लेयर है, रिपीट हो गया क्या? नैरो डिप्लीशन लेयर का मतलब, नैरो मतलब मोर डोपिंग है, डोपिंग बढ़ाई होगी तो नैरो, दैट मींस जीनर, राइट। नेक्स्ट 29 पर देखो, जंक्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, वोल्टेज ब्रेकडाउन पॉइंट फॉर एवलांच, तो एवलांच पर मैंने बताया था डी वी ए बी अपॉन डी टी का मान कितना होगा? प्लस का 0.1%, तो ये इंक्रीज करता है, आंसर गोज टू सी, दिस इज इंक्रीजिंग। नेक्स्ट,
एनदर नेम फॉर जीनर डायोड, जीनर डायोड का दूसरा नाम कौन सी कैटेगरी का डायोड है? ब्रेकडाउन डायोड। जीनर डायोड का दूसरा नाम विच कैटेगरी? ब्रेकडाउन। वेरी गुड सभी का सही है, बहुत बढ़िया। अरे वोल्टेज डायोड थोड़ी ना है स्टूडेंट्स, कॉन्स्टेंट वोल्टेज सोर्स जैसा बनता है रिवर्स बायस, वोल्टेज डायोड थोड़ी ना है, पावर डायोड थोड़ी ना है, करंट डायोड थोड़ी ना है, ब्रेकडाउन डायोड है। फाइन, जीनर डायोड समानता किसका बनाते हैं? बताया था क्लास में, रिप्लाई करो तुरंत। जीनर डायोड को समानता किस मटेरियल का बनाते हैं? सिलिकॉन। टेम्परेचर कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी अच्छी होती है। फाइन, वेरी गुड। अब अगर बोला जाए इंक्रीजिंग द वोल्टेज रेटिंग, जीनर्स आर कनेक्टेड, वोल्टेज रेटिंग अगर बढ़ानी है, राइट, फॉर इंक्रीजिंग द वोल्टेज रेटिंग, केवल वोल्टेज रेटिंग अगर आपको बढ़ानी है स्टूडेंट्स, तो जीनर वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने का मतलब, देखो इधर सुनो, ये कोई जीनर लगा है और वोल्टेज रेटिंग अगर इंक्रीज करनी है, राइट, तो वोल्टेज रेटिंग इंक्रीज करने का मतलब जीनर मस्ट बी कनेक्टेड इन। वोल्टेज रेटिंग अगर हमें इंक्रीज करनी है तो जीनर मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज, राइट। वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए जीनर को किसमें कनेक्ट करना पड़ेगा? अगर मैं वोल्टेज रेटिंग बढ़ाना चाहता हूं, सीरीज कनेक्शन। और ध्यान से सुनो, जब मैं इसको सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं, राइट, फॉर इंक्रीजिंग द वोल्टेज रेटिंग, क्या लिख रहे हो, वोल्टेज ब्रांच, तो हाँ सुनो, आपसे कहा जा रहा है जीनर डायोड पर आपको वोल्टेज रेटिंग बढ़ानी है, जीनर्स आर कनेक्टेड इन, पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है, पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है, सीरीज में वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी, राइट, सीरीज में वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी, बट ध्यान से सुनो, अगर मैं बात कर रहा हूं केवल सीरीज, राइट, तो सीरीज में VZ1 VZ2, मान लो ये दो लगे हैं, एक का ब्रेकडाउन वोल्टेज है 8, एक का ब्रेकडाउन वोल्टेज है 9, तो क्या टोटल मिलाकर 9 और 8 15 नहीं हो जाएंगे, सॉरी 17 नहीं हो जाएंगे? पैरेलल कैसे लिख कैसे रहे स्टूडेंट्स? पैरेलल मींस हाँ, छत में जो सबसे ऊपर का फ्लोर है वहां से जंप मार देना, हाँ बिल्कुल, जिनकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, हाँ ये सिविल का बैच होता, बात समझ में आती है, क्लियर? चलो नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या था 32 का, दिस वर्जन, दैट इज सी, यस करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दिस पैरेलल में करंट रेटिंग बढ़ती है, यस। चलो अब सर दोनों मिक्स हो, अरे तो दोनों चेंज होंगे, दोनों बढ़ेंगे, सीरीज पैरेलल में दोनों बढ़ेंगे। जैसे हम लोग बल्ब का ऑर्डिनरी पैनल जब कनेक्शन बनाते हैं तो अपने को जब जब वोल्टेज रेटिंग बढ़ानी है तो सीरीज कनेक्शन, करंट रेटिंग बढ़ानी है तो पैरेलल कनेक्शन, और जब दोनों कर रहे हो तो फिर दोनों ही बढ़ेंगे, राइट। हाँ, लेकिन उसने पूछा क्या था? वोल्टेज रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग के लिए बेस्ट सीरीज। फाइन, देखो 33, जीनर वोल्टेज रेगुलेटर में
चेंज इन लोड करंट प्रोड्यूसेस। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा है जीनर वोल्टेज रेगुलेटर में अगर लोड करंट बदल रही है तो क्या होगा। चलो पहले ऑप्शन देखो, लोड करंट बदलेगी तो क्या जीनर करंट बदलेगी, जीनर वोल्टेज बदलेगा, जीनर वोल्टेज जीनर करंट दोनों बदलेगा, केवल और केवल जीनर करंट बदलेगी। क्यों? देखो देखो स्टूडेंट्स, ये रहा जीनर का सर्किट, ये वाला, सॉरी कहां गया, दिस वन। अब इस सर्किट में आप मुझे बताइए, अगर लोड आप बदलोगे, आरएल को बढ़ाओगे घटाओगे कुछ भी, तो क्या लोड करंट बढ़ेगी या घटेगी? और अगर लोड करंट बढ़ेगी या घटेगी तो यहां से जो करंट आ रही है वो यहां और यहां डिवाइड हो रही थी, जब ये करंट कम होगी तो जीनर पर करंट ज्यादा जाएगी, जब ये वाली करंट लोड करंट ज्यादा होगी तो जीनर पर करंट कम जाएगी। बोलो तो क्या बदलेगा? जीनर करंट। वोल्टेज कहां से बदल जाएगा? जीनर इज ए कॉन्स्टेंट वोल्टेज डिवाइस, फाइन। जीनर अपने अक्रॉस क्या मेंटेन करेगा? कॉन्स्टेंट वोल्टेज, पढ़ा चुका हूं एज ए कॉन्स्टेंट वोल्टेज सोर्स। इसका मतलब कहां गए? आंसर इज जीनर करंट ओनली। नेक्स्ट, एक 30 वोल्ट का जीनर है। अच्छा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप लोग, मुकेश क्या लिखा है यहां पर, 30 वोल्ट का जीनर। हाँ, तो ये जो 6 वोल्ट आप लोग पढ़ते हो राइट, ये जीनर की मैकेनिज्म है, एवलांच की मैकेनिज्म है राइट, 6 से ऊपर, लेकिन डायोड जीनर ही है राइट। हाँ, तो ये डिप्लोमा स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है, जीनर अलग डायोड, एवलांच अलग डायोड। नो, डिप्लोमा के किसी एक टीचर ने पेपर बनाते समय वो एवलांच डायोड एक क्वेश्चन में लिख दिया है, अदरवाइज वो डिप्लोमा होल्डर ना होता तो वो ऐसा ना लिखता, वो जीनर पर दो मैकेनिज्म अलग अलग बात करता राइट। चलो अब इसने बोला 30 वोल्ट का जीनर है, तो 30 वोल्ट का जो जीनर है उसकी अवक्षय परत, अच्छा तुलना करनी है 10 वोल्ट के जीनर से, तो 30 वोल्ट वाला जीनर और 10 वोल्ट दोनों एवलांच है, लेकिन 30 वाला ज्यादा बड़ा एवलांच है राइट, इसका मतलब लाइटली डोप्ड होगा। 30 वोल्ट वाला 10 वोल्ट की तुलना में लाइटली डोप्ड होगा, और लाइटली डोप्ड होगा तो अवक्षय परत की चौड़ाई मोर देन होगी। बोलो कोई इशू राइट? नेक्स्ट, द करंट इन ए जीनर डायोड इज लिमिटेड बाई, जीनर डायोड में अगर हमें करंट को लिमिट करना है, ध्यान से सुनो स्टूडेंट ध्यान से, जीनर डायोड में करंट लिमिटेड करने का तरीका दोनों होगा, बोथ ए एंड बी। क्यों होगा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एज वेल एज पावर डिसिपेशन। ध्यान से सुनो, जिनका भी वोल्टेज रेगुलेटर छूटा है वो अभी चिंता नहीं करेंगे ज्यादा। देखो क्यों दोनों होगा, एक मिनट, डी कैसे होगा इसमें, डी भी था क्या कुछ, कमलेस क्या रिप्लाई कर रहे हो, एक मिनट। जीनर डायोड पर करंट इन जीनर डायोड को लिमिट करने की बात की जा रही है, तो डी कहां से होगा, ए एंड बी होगा। देखो क्यों, जैसे मान लो इधर देखो, आपने इस आरएस को चेंज किया, आरएस को चेंज करोगे तो जीनर पर करंट बदलेगी राइट। इसी तरह ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अगर जीनर पर, इधर ध्यान देना सभी लोग, जीनर पर पावर डिसिपेशन आपको पता है पीजेड, तो क्या पीजेड का मतलब वीजेड इंटू आईजेड होता है राइट? तो अगर जीनर पर पावर डिसिपेशन बदल रहा है तो क्या जीनर की करंट भी नहीं बदल जाएगी? अगर जीनर पर पावर डिसिपेशन चेंज होगा तो जीनर की करंट भी चेंज होगी, दैट इज द पॉइंट। सो दैट्स व्हाई इसका बेस्ट आंसर कौन सा होगा, बोथ।
बीच में स्पेस रखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। तो करंट इन ए जीनर डायोड इज लिमिटेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आरएस है, एज वेल एज पावर डिसिपेशन, और पावर डिसिपेशन किसके क्रॉस, जीनर के क्रॉस। आंसर गोज टू सी, राइट। कोई इशू तो नहीं इसमें, अच्छा 36 का डी बोल रहा है, ओके 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 सॉरी, ओके ओके ये 36 का डी बोल रहे हो आप लोग, ठीक है। एक 5 मिली एम्पियर जीनर में करंट में बदलाव करने पर 50 मिली वोल्ट का वोल्टेज में बदलाव होता है, जीनर की प्रतिबाधा। तो जीनर की प्रतिबाधा आरजेड बराबर डेल्टा वीजेड बटे डेल्टा आईजेड। डेल्टा वीजेड कितना है, 50 मिली वोल्ट, और ये कितनी करंट है, 5 मिली एम्पियर। मिली मिली कट गया, 50 बटे 5 10 हो गया। एब्सोल्युटली फाइन, करेक्ट। नेक्स्ट 37, विच ऑफ दीज इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन। 37 का आंसर रिप्लाई करें, विच ऑफ दीज इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन फॉर जीनर डायोड। जीनर डायोड के लिए सबसे अच्छा विवरण निम्न में कौन सा है, क्या ये एक डायोड है जीनर डायोड, क्या ये एक कांस्टेंट करंट डिवाइस है, क्या ये कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस है, इट वर्क्स इन फॉरवर्ड रीजन। तो देखो यहां पर फॉरवर्ड बायस तो गलत है, एग्जैक्टली गलत है। जीनर डायोड मुख्यतः किसमें काम करता है, रिवर्स। जीनर डायोड एक डायोड तो है, बट ये स्पेशल पर्पस डायोड है, तो ये कुछ बात सही है। कांस्टेंट करंट डिवाइस बिल्कुल गलत है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या है, सी। डायोड गलत नहीं है, लेकिन उसने पूछा सबसे अच्छा विवरण, बेस्ट डिस्क्रिप्शन कौन सा है, तो कांस्टेंट वोल्टेज। सो आंसर गोज टू सी, फाइन। अब बताओ 38, क्वेश्चन नंबर 38। जीनर डायोड एक बैटरी है, राइट, इट एक्ट्स लाइक ए बैटरी इन द ब्रेकडाउन रीजन, राइट, इट हैज ए बैरियर पोटेंशियल ऑफ दिस इज फॉरवर्ड बायस। अच्छा क्वेश्चन है, देखो जीनर डायोड एक बैटरी तब है जब ये रिवर्स बायस में ऑपरेट होता या ब्रेकडाउन रीजन में होता। कहां होता, ब्रेकडाउन में ये वोल्टेज सोर्स है, हमेशा नहीं, तो ये अधूरा स्टेटमेंट है, अधूरी कहानियां लाइफ में कभी पूरी नहीं होती, तो इसको हटा देंगे। नेक्स्ट, इट एक्ट्स लाइक ए बैटरी इन द ब्रेकडाउन रीजन। कई बार हम लोग कहानी लिखने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन वो किस्सा बनकर छूट जाता है, कहानी राइट नहीं होती। दैट मींस ये कंप्लीट स्टोरी नहीं है। कंप्लीट स्टोरी क्या है, इट एक्ट्स लाइक ए बैटरी इन द ब्रेकडाउन रीजन। बेस्ट आंसर गोज टू बी, बैरियर पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट गलत है, फॉरवर्ड बायस गलत है, जीनर डायोड रिवर्स बायस में एज ए वोल्टेज सोर्स यूज होगा, फाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में लोडेड जीनर रेगुलेटर, व्हाट इज द लार्जेस्ट जीनर करंट, राइट। जीनर करंट लार्जेस्ट, जीनर करंट पर लार्जेस्ट लोडेड जीनर रेगुलेटर, व्हाट इज द लार्जेस्ट, सॉरी विच इज द लार्जेस्ट जीनर करंट। निम्नलिखित में जीनर नियामक में कब मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकती है, इन ए लोडेड जीनर रेगुलेटर विच इज द लार्जेस्ट जीनर करंट। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज इनकरेक्ट है, समझ लें। इसका पूछने का मतलब यह है किसी जीनर रेगुलेटर सर्किट में जीनर पर करंट कब अधिकतम बन पाएगी। सॉरी, किसी जीनर रेगुलेटर में कौन सी करंट सबसे बड़ी होती है, सीरीज करंट बड़ी है सबसे ज्यादा, या जीनर करंट सबसे बड़ी है, या लोड करंट सबसे बड़ी है, यह पूछा है। सॉरी, इसका पूछने का मकसद यह है किसी लोडेड जीनर रेगुलेटर में सबसे बड़ी करंट कौन सी होगी जीनर में,
जीनर डायोड पूछ रहा है, जीनर डायोड में सबसे बड़ी करंट कौन सी होगी, सीरीज करंट, जीनर करंट, लोड करंट। तो देखिए आपने सर्किट में देखा था, देखो जीनर पर करंट और लोड पर करंट आ कहां से रही है, सोर्स से, सीरीज करंट। सीरीज करंट इन दो भागों में बटती है, तो सबसे बड़ी करंट कौन सी होगी, सीरीज करंट, राइट। सबसे बड़ी करंट कौन सी होगी, सीरीज करंट। हाँ लिखो लिखो जिसका जो भी डाउट हो, आने वाली करंट कौन सी है, सीरीज। तो सीरीज करंट सबसे बड़ी होगी, तभी तो वो दो भागों में बटेगी। तो जीनर रेगुलेटर में कौन सी करंट सबसे बड़ी होगी, सीरीज करंट। किसी को कोई डाउट तो नहीं, हाँ अरविंद सरोज, कोई डाउट तो नहीं था। अरे रिवर्स बायस तो क्वेश्चन होगा ही होगा, रिवर्स बायस इटसेल्फ होगा। देखो जीनर उल्टा लगा रखा है, सीधा लगा रखा है, अपोजिट। चलो अब देखो इसका मतलब हम लोग कहां तक पहुंच चुके थे, थोड़ा फास्ट चलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग 39 पर थे। तो 39 पर इन सब में सबसे बेस्ट, सबसे बड़ी करंट सॉरी कौन सी होगी, सीरीज करंट। क्वेश्चन नंबर 40, यदि लोड रेजिस्टेंस को डिक्रीज किया जाए जीनर में तो जीनर करंट। देखो अगर यहां इस सर्किट में क्या बोला था, लोड रेजिस्टेंस को डिक्रीज, तो अगर आप आरएल को घटाओगे तो क्या आईएल करंट बढ़ नहीं जाएगी, राइट। और आने वाली धारा आईएस बराबर आईजेड प्लस आईएल है। अब बताओ जरा मुझे, अगर ये बढ़ा है, ये फिक्स है, तो क्या आईजेड घटा नहीं होगा, बोलिए। तो अगर लोड को क्या बोला था, बढ़ाना घटाना, एक मिनट में क्वेश्चन देख लूं। इसने बोला था यदि लोड रेजिस्टेंस को घटाया जाए, अच्छा, तो जीनर करंट पर क्या फर्क पड़ेगा, इफ लोड रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, सॉरी, तो लोड रेजिस्टेंस को, अच्छा हाँ वही तो मैंने किया है, लोड रेजिस्टेंस घटाया है तो लोड करंट बढ़ी होगी, और लोड करंट बढ़ी है तो जीनर की करंट घटेगी। तो जो भी आंसर हो, क्लियर। सो आंसर इज जीनर करंट घटेगी, जीनर करंट डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 41, एक जीनर रेगुलेटर पावर सप्लाई में इंक्रीज करता है रिपल, बिल्कुल गलत बात है, रिपल को कम करता है, घटाता है, राइट, ये तो रिपल को घटाने वाला है। जीनर रेगुलेटर कांस्टेंट सप्लाई देता है, मतलब रिपल्स को रिमूव करता है, डिक्रीजेस द रिपल, यस घटाएगा, नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। तो 41 की अगर मैं बात करूं तो 41 का बेस्ट आंसर कौन सा होगा, बी, घटाता है रिपल्स को। मतलब अगर कोई वोल्टेज सिग्नल बन रहा है तो उसमें रिपल्स कम से कम आएंगे। जैसे स्टूडेंट्स मान लीजिए कोई ग्राफ अपने पास आ रहा है, कुछ ग्राफ ऐसा भी आ रहा है, तो आप इसकी भी कोशिश क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको लाइक दिस बनाने की, इतने रिपल्स भी, ये छोटे मोटे जो रिपल्स आ रहे हैं इसको भी रिमूव करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा भी आ रहा है ग्राफ, मान लो ऐसा आ रहा है, हल्के रिपल्स भी आ रहे हैं, तो भी इसको कांस्टेंट बनाने की कोशिश करते हैं जीनर की मदद से। इसका मतलब रिपल्स को कंप्लीटली खत्म करना चाहते हैं, डिक्रीज इन द रिपल इज बेस्ट आंसर। यस मुकेश, हाँ राइट करो, क्या कुछ पूछ रहे हो। यदि लोड करंट जीरो हो तो जीनर करंट क्या होगी, मुकेश एक बात बताओ, वोल्टेज रेगुलेटर कब लगाते हो, आइदर फिल्टर लगाओगे
और अगर फिल्टर के बाद भी कुछ रिपल रह जाते हैं तो फिर वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट, तब कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है, तब IC7XX सीरीज का यूज करते हैं। क्लास में बताया था 7805 काउबैच, 7805 बताया था 5 वोल्ट का कांस्टेंट आउटपुट मिलेगा। फाइन, फिल्टर से कांस्टेंट नहीं मिलता, फिल्टर में भी कुछ पल्सेटिंग वैल्यू होती है, बिल्कुल करेक्ट नहीं मिलता। इसको और अच्छा करने के लिए वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट की जरूरत होती है। क्लियर, बात क्लियर है यहां तक? कहां हो? हाँ, क्लियर है अब यहां तक? बेसिकली फिल्टर का काम होता है रिपल्स को रिमूव करना, कांस्टेंट बनाना, बट अभी भी जब चार्ज होता है फिर डिस्चार्ज होता है फिर चार्ज फिर डिस्चार्ज, ये परफेक्ट नहीं बना पाता। और परफेक्शन के लिए वोल्टेज रेगुलेटर और फिल्टर के भी आउटपुट में लगा देते, और जिनका जिनको ये लगता है नहीं बिल्कुल हमें थोड़े बहुत रिपल मिल भी गए तो कौन सी दिक्कत है, तो फिर वहां पर इसको यूज कर लेते केवल वोल्टेज फिल्टर को, अदरवाइज फिल्टर के बाद वोल्टेज रेगुलेटर और अच्छा ऑप्शन है। फाइन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये थोड़े से मैंने स्टूडेंट सर्किट वाले क्वेश्चंस ले लिए हैं। फाइन, चलो, तो जिन लोगों ने अभी रेगुलेटर सर्किट नहीं पढ़ा वो चिंता नहीं करेंगे, एक दो क्वेश्चन ही है ऐसे, ज्यादा नहीं है। अब देखिए, यदि लोड करंट जीरो है तो जीनर करंट क्या होगी? लोड करंट जीरो मतलब लोड ओपन हो गया, तो जीनर करंट अधिकतम नहीं हो जाएगी। फाइन, जीनर करंट मैक्स होनी चाहिए, जीनर करंट मैक्स होनी चाहिए। अरे आप खुद देखो, इधर बताओ, जब स्टूडेंट्स लोड ओपन हो गया तो क्या लोड करंट जीरो हो गई, तो जीनर करंट और सोर्स करंट बराबर नहीं हो जाएगी, जीनर करंट अधिकतम नहीं हो जाएगी, पूरी पूरी सीरीज करंट के बराबर हो जाएगी, राइट? अगला, यदि जीनर करंट मिनिमम कब होगी, जब लोड करंट, यस, अगर लोड करंट का मान अधिकतम हो जाएगा तो जीनर करंट मैक्सिमम, अगर सॉरी लोड करंट अगर मैक्सिमम हो जाएगी, आपको याद है IS बराबर IZ प्लस IL है, और अगर IL बढ़ते हुए अपने अधिकतम मान पर पहुंच गई तो क्या जीनर करंट अपने मिनिमम मान पर नहीं पहुंच जाएगी IS को कांस्टेंट रखने के लिए, राइट? आंसर गोज टू ए। इसने पूछा है जीनर धारा जब मिनिमम कब होगी, लोड करंट जब मैक्सिमम होगी। फाइन, चल 43 तक ओवर, बस एक दो क्वेश्चन और है जीनर के, इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा अगला डायोड। व्हाट इज ट्रू अबाउट द ब्रेकडाउन वोल्टेज इन जीनर डायोड? ब्रेकडाउन वोल्टेज जीनर डायोड के बारे में कौन सा कथन सत्य है, राइट? देखो, जीनर का ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में, क्या ये घटता बढ़ता है? नो। क्या जीनर का वोल्टेज खत्म करता है डायोड को? नो। जीनर की करंट खत्म करती है, क्योंकि वोल्टेज तो कांस्टेंट होता है। इट इज इक्वल टू करंट टाइम्स द रेजिस्टेंस? नो, तीनों गलत है। अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट, यस, ऑलमोस्ट ये कांस्टेंट होता है, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ब्रेकडाउन वोल्टेज हमेशा ऑलमोस्ट लगभग कांस्टेंट होता है, थोड़ा बहुत स्लाइट वेरिएशन होता है, राइट? सो आंसर इज डी। नेक्स्ट, एक जीनर डायोड पर, जीनर डायोड इज, अच्छा, जीनर डायोड को इनवेरिएबली कैसा प्रयोग करते हैं? जीनर डायोड को मुख्यतः किस तरह से प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स? जीनर डायोड इनवेरिएबली का मतलब है एज ए कांस्टेंट कहां यूज होगा? तो जीनर डायोड एज ए कांस्टेंट यूज होगा रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, जीरो बायस। आंसर शुड बी रिवर्स बायस। कांस्टेंट वोल्टेज वो कब दे सकता है? इन रिवर्स बायस। यूज कहां होता है? रिवर्स बायस। फाइन, कोई इशू तो नहीं इसमें?
ठीक है, 45 के ए तक कोई इशू नहीं है। अब 46 पर चलो, एक जीनर डायोड यदि करेक्टली बायस किया जाए, एक जीनर डायोड करेक्टली बायस किया जाए तो नेवर ओवरहीट, इट एक्ट्स एज ए फिक्स्ड रेजिस्टेंस, इट हैज ए कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस इट, आंख बंद करके जीनर मतलब कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस इट अगर सही बायस किया गया है, रिवर्स बायस, कांस्टेंट करंट गलत होता है, ओ हीटिंग प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स, राइट, हीटिंग प्रॉब्लम भी आती है, इट एक्ट एज ए फिक्स्ड रेजिस्टेंस, कभी नहीं, रेजिस्टेंस को बदलता है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 47, द फंक्शन ऑफ ए जीनर डायोड व्हेन यूज्ड इन पावर सप्लाई इज टू मेंटेन कांस्टेंट जीनर डायोड, सॉरी, जीनर डायोड पर जब इसको कांस्टेंट पावर द फंक्शन ऑफ ए जीनर डायोड व्हेन यूज्ड इन ए पावर सप्लाई, किसी पावर सप्लाई पर जब जीनर डायोड को यूज किया जाता है तो ये क्या मेंटेन करता है कांस्टेंट, तो क्या स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं 47 देखते ही, राइट, बिल्कुल करेक्ट, आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन करता है, आउटपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज कहां आ गया स्टूडेंट्स, ये ऑलवेज क्या मेंटेन करता है, कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, जीनर का काम ही वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट है, फाइन, सप्लाई करंट गलत है, आउटपुट करंट बिल्कुल गलत है, इनपुट वोल्टेज बिल्कुल गलत है, केवल और केवल आउटपुट वोल्टेज। जीनर डायोड के अंदर होते हैं एक पीएन जंक्शन, दो पीएन जंक्शन, थ्री पीएन जंक्शन, नन ऑफ दीज, ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए, एक पीएन जंक्शन। अगला, हाँ बताओ स्टूडेंट्स, एवलांच मल्टीप्लीकेशन, यस, अब देखो वो क्वेश्चन अच्छे से मिला, एवलांच मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है, डिसरप्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अकर्स बाय कोलिजन, यस यस, कोवेलेंट बॉन्ड का टूटना किसकी वजह से, कोलिजन की वजह से, और क्या डायरेक्ट रप्चर होता है, नो, डायरेक्ट रप्चर किसमें होता है, जीनर, रप्चरिंग ऑफ बॉन्ड जीनर में होता है, और एवलांच मैकेनिज्म में इंपैक्ट आयनाइजेशन मतलब डिसरप्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाय कोलिजन, बोथ, जो 49 क्वेश्चन है इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, डिसरप्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अकर्स बाय कोलिजन, डायरेक्ट रप्चरिंग इसमें बहुत कम होती है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम क्या होता है, डिसरप्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाय कोलिजन, और वरीयता हमेशा मैक्स वैल्यू को देंगे, 49 का ए, ठीक है, 50, किसी हैवली डोप डायोड के लिए जीनर डायोड होगा या एवलांच, जब भी स्टूडेंट्स हैवली डोपिंग की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं बोला तो हम केवल हैवली डोप मानकर चलेंगे, और हैवली डोप के लिए कौन सी कंडीशन बेस्ट है, जीनर, उसके कंपेयर में रिलेटिवली लाइटली डोप्ड होता, विकास अग्रहरी एवलांच कहां से आ गया, हैवली डोप्ड किसके लिए पढ़ाया था, जीनर मैकेनिज्म, ठीक है, नेक्स्ट, टनल डायोड, चलो अब टनल में आ चुके हैं, अगर मैं टनल डायोड की बात करूं तो टनल डायोड का मतलब, अगर मैं टनल डायोड की बात करूं तो टनल डायोड पर हाई रेजिस्टिविटी पीएन जंक्शन डायोड है, स्लो स्विचिंग डिवाइस है, एम्पलीफायर है, एम्पलीफाइंग डोप, नो, इसको करेक्ट कर लो स्टूडेंट्स, एम्पलीफाइंग की जगह डोपिंग होगी, हैवली डोप, राइट, दिस शुड बी हैवली डोप पीएन जंक्शन डिवाइस,
हाई रेजिस्टिविटी तो बिल्कुल गलत है, स्विचिंग नहीं स्लो नहीं होती, फास्टर होती है, एम्पलीफायर नहीं है, तो ये क्या होगा, हैवली डोप्ड। थोड़ा सा स्टूडेंट प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ हैवली डोप्ड कर लेना, एम्पलीफाइंग डोप्ड नहीं होता कुछ, हैवली डोप्ड है। तो 51 का आंसर डी होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट कर लेना वहां पर, हैवली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। तो 51 का डी है, वहां पर हैवली डोप्ड कर लीजिए। टनल डायोड बनाने में किस मटेरियल का यूज होता है, यस जर्मेनियम आर गैलियम आर्सेनाइड, राइट, पढ़ाया था क्लास में, जर्मेनियम आर गैलियम आर्सेनाइड, टनल डायोड में बताया था स्टूडेंट्स, राइट, गैलियम आर्सेनाइड को भी प्रेफर करते हैं, जर्मेनियम को भी प्रेफर कर सकते हैं, दोनों ही प्रेफर होते हैं। चलो नेक्स्ट, द आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टनल डायोड एग्जिबिट, ठीक है, करंट कंट्रोल्ड निगेटिव रेजिस्टेंस, गलत है, वोल्टेज कंट्रोल्ड निगेटिव रेजिस्टेंस, यस करेक्ट, और कुछ, टेम्परेचर कंट्रोल्ड पॉजिटिव रेजिस्टेंस, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, करंट कंट्रोल्ड पॉजिटिव रेजिस्टेंस, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल और केवल टनल डायोड में पढ़ाया था वोल्टेज कंट्रोल्ड निगेटिव रेजिस्टेंस बनता है, राइट, टनल डायोड में एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसी थी, फॉरवर्ड में पढ़ाया था, पहले बढ़ रहा था, फिर घट रहा था, फिर बढ़ रहा था, राइट, तो ये वाला निगेटिव रीजन था, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, जो पीक वोल्टेज और पीक करंट है, यहां पर यहां वैली वोल्टेज और यहां वैली करंट है, ठीक है, बहुत प्रॉपर वे में पढ़ाया होगा। तो 53 क्लियर है। 54, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक टनल डायोड होता है, राइट, जब भी हम टनल डायोड की बात करते हैं, यस टीवीआर ट्रिपल वोल्टेज रीजन, वेरी गुड, किसका बना है ये टनल डायोड, जर्मेनियम आर गैलियम आर्सेनाइड, सही है, एब्रप्ट जंक्शन, बिल्कुल, बोथ साइड हैवली डोप्ड, यस दोनों साइड हैवली डोप्ड करते हैं, हाइपर एब्रप्ट, नो, हाइपर एब्रप्ट कहां यूज होता है, वेरेक्टर, कल बताया था, हाइपर एब्रप्ट कहां होता है, वेरेक्टर में। तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 54, तो क्या 54 पर सभी सहमत हैं, डिवाइस कैसी है, मेड अप ऑफ जर्मेनियम आर गैलियम आर्सेनाइड, एब्रप्ट जंक्शन विद बोथ साइड हैवली डोप, और क्या हाइपर एब्रप्ट जंक्शन है, नो, रॉन्ग है, क्या ये केवल मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है, नो, टनल डायोड में मेजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों को देखते हैं, टनल डायोड की बात हो रही है स्टूडेंट्स, केवल स्कॉटकी डायोड ऐसा है जो मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है, बाकी सब मेजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों पर काम करते हैं, जीना डायोड स्पेशली रिवर्स बायस पर काम करता है, कल पढ़ाया था स्कॉटकी, शॉटकी डायोड, शॉटकी डायोड मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है, राइट, आंसर गोज टू 1 एंड 2, 54 का ए, राइट, नहीं कैसे बोल रहे हो, मेजॉरिटी हो ही नहीं सकता, मेजॉरिटी कैरियर का मतलब है मेटल के साथ लगाना, यहां कहां मेटल लगती है, फाइन स्टूडेंट, टनल डायोड है ये, टनल डायोड में करंट इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से बनती है। हाँ नेक्स्ट, अगला बताओ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टनल डायोड, टनलिंग टेक्स प्लेस एट द स्पीड डिसाइडेड बाय जंक्शन टेम्परेचर, कोई रोल नहीं है इसका, मुझे बताओ स्टूडेंट्स, क्या जंक्शन टेम्परेचर का कोई रोल था यहां, यस ये सही है, कंसंट्रेशन ऑफ इंप्योरिटीज इज द ऑर्डर ऑफ 1:10 to power 3, डोपिंग बहुत हाई रखते हैं,
दिस इज करेक्ट। क्या दोनों तरह की करंट है, टनलिंग करंट और नॉर्मल पीएन जंक्शन इंजेक्शन करंट? यस। टनलिंग फिनोमेना हम देखते थे पी टू एन, टनलिंग फिनोमेना मैंने आपको फर्मी लेवल डायग्राम से बताया था। और क्या नॉर्मल पीएन जंक्शन फिनोमेना नहीं लगता? वो तो लगता ही लगता है, राइट। टनलिंग फिनोमेना इसमें एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब कहां गया, नहीं है क्या कोई? हाँ है, सी दैट इज एक, हाँ टू एंड थ्री, अच्छा फोर भी देखना था। टनल, एक मिनट पढ़ लेता हूं। टनल डायोड एग्जिबिट करंट, करंट कंट्रोल नहीं होता है, वोल्टेज कंट्रोल। नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक तो होती है, बट कंट्रोल किससे होता है? वोल्टेज। तो फोर्थ इस स्टेटमेंट की वजह से गलत है, करंट कंट्रोल रॉन्ग है। तो बेस्ट आंसर टू एंड थ्री, बेस्ट आंसर टू एंड थ्री। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टनल डायोड में डोपिंग की वजह से टनलिंग फिनोमेना, और टनलिंग के अलावा नॉर्मल जो करंट फ्लो करती थी वो तो कर ही रही है, नॉर्मल पीएन जंक्शन का इंजेक्शन तो चल ही रहा है, फाइन। तो कौन सा आंसर बेस्ट है? सी। अब कौन सा था नेक्स्ट? 56। चूज प्रॉपर सब्स्टिट्यूट फॉर एक्स वाई टू मेक स्टेटमेंट करेक्ट। टनल डायोड एंड एवलांच डायोड आर ऑपरेटेड इन एक्स एंड वाई। टनल को एक्स माना है और एवलांच को वाई माना है, ठीक है। तो टनल डायोड जनरली फॉरवर्ड बायस है, एक्स को फॉरवर्ड कर लो। और कौन सा था डायोड? टनल डायोड फॉरवर्ड बायस, एवलांच डायोड को वाई माना है, वाई बायस को रिवर्स बायस, ठीक है। 56 का सी, 56 का सी, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, द मेन रीजन वाई इलेक्ट्रॉन कैन टनल थ्रू ए पीएन जंक्शन। डोपिंग बहुत हाई है स्टूडेंट्स, वेरी हाई डोपिंग। तो यहां पर क्या होगा? डिप्लीशन लेयर एक्सट्रीमली थिन, दे हैव हाई एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बैरियर पोटेंशियल लो होता है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। डिप्लीशन लेयर इज एक्सट्रीमली थिन, इंप्योरिटी लेवल लो होता है, बिल्कुल गलत है। तो आंसर गोज टू सी, 57 का आंसर है सी, फाइन। टनल है ना, टनल में बहुत हैवली डोप बनाते हैं, तो बिल्कुल बहुत नैरो डिप्लीशन लेयर होती है। टनल डायोड का सबसे बेस्ट यूज माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, क्लास में लिखवाया होगा, इससे बेस्ट कुछ नहीं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइपोलर डिवाइस? देखो स्टूडेंट्स, आगे चलकर पढ़ोगे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यूनिपोलर, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर यूनिपोलर, गन डायोड यूनिपोलर। तो कौन सी डिवाइस बाइपोलर है? टनल। टनल में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों से वर्किंग होती है, टनल डायोड में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों से वर्किंग होती है, सो दैट्स व्हाई बाइपोलर। कैसी डिवाइस है टनल डायोड? बाइपोलर, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों से, जबकि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आगे पढ़ाऊंगा यूनिपोलर होता है, बीजेटी बाइपोलर होता है। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर नाम ही है सिंगल, यूनि जंक्शन, यूनि जंक्शन पर यूनिपोलर, गन डायोड यूनिपोलर। तो केवल टनल है यहां पर, एक मिनट, मैंने चारों में टिक लगा दिया है, चलो अब दिख गया। चारों में टिक लगाने का मतलब स्टूडेंट बता समझा रहा था, इसलिए टिक लगता जा रहा था। 59 में कोई इशू नहीं है, चलो 60। टनल डायोड वर्क्स ऑन पॉजिटिव रेजिस्टेंस, नेगेटिव रेजिस्टेंस, बिल्कुल स्पेशली नेगेटिव रेजिस्टेंस, यही तो इसकी प्रॉपर्टी है खास। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, नेगेटिव रेजिस्टेंस इन ए टनल डायोड इज मैक्सिमम एट पीक पॉइंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक,
ठीक है, मैक्सिमम होता है पीक पॉइंट पर निगेटिव रेजिस्टेंस, अवेलेबल बिटवीन द पीक एंड वैली पॉइंट। हाँ यस, ये सबसे बेस्ट है, अवेलेबल बिटवीन पीक एंड वैली। और भी कुछ है क्या? मैक्सिमम एट वैली गलत है, नन ऑफ दीज। देखो गलत ये भी नहीं है स्टूडेंट्स, जब हम निगेटिव रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं टनल डायोड में, तो अपने पास ऐसा ग्राफ बनता है राइट, ये अपने पास ग्राफ बनता है। इस ग्राफ में अगर मैं रेजिस्टेंस का मान निकालू तो ये हाई वोल्टेज हाई करंट है यहां पर, और इसके बाद वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती जा रही है बट करंट घटता जा रहा है राइट। लेकिन क्या ये जो रीजन है ये पीक और वैली पॉइंट के बीच में है, तो इसका सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा? कहां गया? अवेलेबल बिटवीन पीक एंड वैली पॉइंट। निगेटिव रेजिस्टेंस कहां एग्जिस्ट करता है? पीक और वैली पॉइंट के मध्य। फाइन, कहां एग्जिस्ट करता है? पीक और वैली पॉइंट के मध्य। सुशांत 60 में क्या बताना है स्टूडेंट्स? टनल डायोड किस पर वर्क करता है? निगेटिव रेजिस्टेंस पर। टनल डायोड की स्पेशल करेक्टरिस्टिक क्या है? यहां तक भी पॉजिटिव है, फिर यहां निगेटिव, और फिर दिस, यही इसकी स्पेशल करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, हाँ वहां सब कुछ लिखवाया था, NRR निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। एक टनल डायोड ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड से किस चीज में, एक टनल डायोड ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन में क्या ऐड करने पर होगा? तो अगर मैं 62 की बात करूं स्टूडेंट्स, तो हायर इंप्योरिटी कंसंट्रेशन इन एन रीजन बिल्कुल सही है, हायर इंप्योरिटी कंसंट्रेशन इन पी रीजन बिल्कुल सही है, हायर इंप्योरिटी कंसंट्रेशन दोनों में सबसे सही है राइट, दोनों में ही कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो हायर इंप्योरिटी कंसंट्रेशन इन पी एंड एन दोनों में हैवली डो राइट, लोअर कंसंट्रेशन का मतलब नहीं। ये भी गलत, ये भी गलत। ये क्यों गलत हो गया? क्योंकि केवल एक रीजन में नहीं होता, केवल एक रीजन में नहीं होता, दोनों हैवली डोप्ड होते हैं, पी प्लस एन प्लस। इसका दूसरा नाम इसैकी डायोड बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। ए टिपिकल वैल्यू ऑफ इंप्योरिटी कंसंट्रेशन इन टनल डायोड 1 part in 10 to the power 3, ये बताने वाला क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़ना चाहिए। टनल डायोड, हाँ क्वेश्चन नंबर 64, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टनल डायोड का फैब्रिकेशन अगर किया जा रहा है, कर तो जर्मेनियम से भी सकते हैं, गैलियम आर्सेनाइड से भी कर सकते हैं, बट अगर आइदर जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड मिल जाए तो इससे बेस्ट कुछ नहीं। वेरी गुड, नेक्स्ट 65। टनल डायोड किस पर बेस्ड है? 65 रिप्लाई करो। टनल डायोड की करेक्टरिस्टिक नॉर्मल पीएन जंक्शन से क्यों अलग है? लीनियर है, नॉन लीनियर है, एग्जिबिट ए निगेटिव रेजिस्टेंस? यस, सबसे बेस्ट आंसर, ये एक निगेटिव रेजिस्टेंस कैरी करता है। एनआरआर, बाकी प्रॉपर्टी, एनआरआर एक स्पेशल प्रॉपर्टी है टनल डायोड की, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी है, क्लियर? नहीं, नॉन लीनियर तो है ही स्टूडेंट्स, नॉन लीनियर तो हम नहीं कह रहे, तो क्या डायोड की करेक्टरिस्टिक नॉन लीनियर नहीं है? वो क्या पूछ रहा है? टनल डायोड की करेक्टरिस्टिक साधारण पीएन जंक्शन से अलग कहां होती है? तो ये स्पेशल बात है टनल डायोड में। 66, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ टनल डायोड। क्या रेक्टिफायर बनाते हैं इससे? नो, रेक्टिफायर वाला काम नहीं है। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस, दो
स्विचिंग यस, एज ए फास्टेस्ट स्विच होता है, फास्टर होता है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में स्विचिंग की एप्लीकेशन पर इसको यूज करते हैं। आंसर सी। कल पढ़ाया था शॉर्ट की, वो सबसे फास्टेस्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। चलो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक पैरामीटर ऑफ ए टनल डायोड। टनल डायोड का सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक कौन सा है? टनल डायोड पर यस 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 फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेजिस्टेंस, निगेटिव रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज। हाँ, मैंने कहा था करैक्टरिस्टिक पैरामीटर वोल्टेज स्विंग और आईपी बाई आईवी रेशियो पर डिपेंड करता है। जितने लोगों ने क्लास में ध्यान दिया हो, यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन। निगेटिव रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज स्विंग भी गलत नहीं है, बट क्या स्टूडेंट्स, क्या मैंने पढ़ाया था कि अगर इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक पैरामीटर बोला जाए टनल डायोड, तो हम दो रेशियो को चेक करते हैं, एक आईपी बाई आईवी रेशियो और वोल्टेज स्विंग। ऐसा ग्राफ जाता था, ग्राफ ऐसा जाता था, पहले बढ़ना फिर पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर दिस। तो क्या ये वोल्टेज स्विंग पर डिपेंड नहीं करता था? राइट, इसका मतलब, इसका आंसर क्या होगा? वोल्टेज स्विंग एंड दिस। अरे देखो 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 देखो, ये रहे नोट्स, ये तो आप बोल ही नहीं सकते स्टूडेंट्स, कहां पढ़ाया था तुमने? यस, ये रहा टनल डायोड। टनल डायोड पर मैंने ये लाइन बकायदा लिखवाई होगी आपको, देखो देखो देखो। अभी जो पिछला क्वेश्चन था वो भी पढ़ाया था, स्विचिंग स्पीड वेरी हाई, फास्ट स्विच डिवाइस, स्विचिंग टाइम बहुत कम होता है, डिजिटल लॉजिक में इसको यूज करते हैं, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में अच्छा है, गैलियम आर्सेनाइड जर्मेनियम प्रेफर होता है, सब लिखवाया था। यस, वेरी स्मॉलर इन साइज, इजी टू फैब्रिकेट, लो कॉस्ट, लो पावर कंजम्पशन, वोल्टेज स्विंग। हाँ, फिर देखो, फिर देखो, वोल्टेज स्विंग के बाद, यस, टनल डायोड विल एग्जिबिट निगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी व्हेन फॉरवर्ड वोल्टेज चेंजेस फ्रॉम वीपी टू वीबी, फॉरवर्ड करंट चेंजेस फ्रॉम आईपी टू आईबी। फॉर ए गुड टनल डायोड दो रिक्वायरमेंट्स थी, लार्जर वोल्टेज स्विंग, लार्जर आईपी बाई आईबी रेशियो। ब्रिकेश, क्या ये दोनों लाइन बताई नहीं थी टनल डायोड पर? लार्जर आईपी बाई आईवी रेशियो, लार्जर वोल्टेज स्विंग, गुड टनल डायोड, ये सबसे बेस्ट करेक्टरिस्टिक एप्लीकेशन है। इसका आंसर हायर वोल्टेज स्विंग, हायर आईपी बाई आईवी रेशियो, यही करेक्टरिस्टिक का सिलेक्शन कराएगा कि अच्छा टनल डायोड कौन सा है। उसने पूछा है सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक पैरामीटर कौन सा है, तो वोल्टेज स्विंग और आईपी बाई आईवी रेशियो। ये जितना अच्छा होगा उतना अच्छा निगेटिव रेजिस्टेंस बनेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 68। अब बताइए 68, एक मिनट में कोई क्वेश्चन पढ़ लूं। रिगार्डिंग ए टनल डायोड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अच्छा, गलत बताना है, इनकरेक्ट, सॉरी। विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इज क्वाइट लार्ज, ये तो गलत है। अच्छा, गलत है तो गलत ही तो पूछा है, सॉरी, मतलब ये सही है। इट हैज निगेटिव रेजिस्टेंस ओवर ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज, यस, बिल्कुल करेक्ट है। और इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन 1000 टाइम्स ग्रेटर देन ऑर्डिनरी, ये भी सही है। चार्ज कैरियर्स आर एबल टू टनल थ्रू डिप्लीशन लेयर वेरी इजली ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल थिकनेस, बहुत थिन है तो इसलिए जल्दी से टनलिंग हो, ये भी सही है। तो गलत पूछा था, तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इज क्वाइट लार्ज, गलत है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होती है। आंसर इज ए, कलर बदल देता हूं। नेक्स्ट 69, कहां गया? फॉर फोटो कंडक्टर विथ इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड इक्वल होल मोबाइल, किसी फोटो कंडक्टर में इक्वल इलेक्ट्रॉन और होल मोबाइलिटीज हैं,
परफेक्ट ओमिक कॉन्टेक्ट है। एट द एंड द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ ऑप्टिकल इल्यूमिनेशन। आपको पता है स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको स्टार्ट किया था फोटो कंडक्टर का बेसिक लॉजिक तो बताया था, जैसे जैसे लाइट डालोगे चार्ज कैरियर बढ़ेंगे डेल्टा एंड डेल्टा पी, कंडक्टिविटी में बदलाव होगा। तो अगर कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो रेजिस्टिविटी घटेगी या रेजिस्टेंस घटेगा। आंसर इज सी सी सी, सी फॉर चेन्नई, डिक्रीज इन रेजिस्टेंस। फोटो कंडक्टिव इफेक्ट और फोटो रेजिस्टिव इफेक्ट पढ़ाया था, बोलो। क्लियर है सभी को 69 का सी? 69 का सी सभी को क्लियर है? फोटोडायोड में बताया था जब लाइट पड़ेगी तो लाइट पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल बराबर जनरेट होंगे, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। कंडक्टिविटी बढ़ना मतलब रेजिस्टिविटी घटना मतलब रेजिस्टेंस घटना, राइट? क्वेश्चन नंबर 70 देख सकते हैं अब आप। फाइन है 70 का सी? क्यों? निम्नलिखित में कौन सा रिलेशन बैंड गैप और फोटो डिटेक्ट के लिए सही है? तो एच न्यू एनर्जी आप इंसिडेंट करते हैं, एच न्यू एनर्जी का मान बड़ा होना चाहिए एनर्जी गैप से, तभी डिप्लीशन लेयर उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी, ठीक है? राइट, यही तो फोटॉन एनर्जी है ना, ये एच न्यू ही तो फोटॉन एनर्जी है स्टूडेंट्स, वी नहीं है, न्यू है, ये लिखने वाले से गलती हो गई है, न्यू। एच न्यू को ही कहते हैं एक्सी बाई लैम्डा, ये बड़ा होगा किससे? पीजी से। नेक्स्ट, किसी फॉरवर्ड बायस फोटोडायोड में यहां तक क्वेश्चन में क्लियरिटी है सभी को? अब देखो 71 देखिए स्टूडेंट्स, किसी फॉरवर्ड बायस फोटोडायोड में एन इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट कॉजेस द डायोड करंट। अब देखो, जब मैंने आपको फोटोडायोड पढ़ाया था, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, चलो बताना जरूरी हो गया। जब मैंने आपको फोटोडायोड पढ़ाया था, कहाँ गया, जी बताएं स्टूडेंट्स, फोटो डायोड को कहां ऑपरेट करते थे, किस रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं आप? केवल रिवर्स बायस रीजन। फोटो डायोड पर किस रीजन में करंट बढ़ रही है? रिवर्स बायस, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस रीजन में आपके पास ये फिनोमेना था एच न्यू ग्रेटर देन ईजी, क्योंकि डिप्लीशन विड्थ चाहिए, फॉरवर्ड में तो अवक्षय परत टूट जाएगी, राइट? हमें तो डिप्लीशन विड्थ पर लाइट को इंसिडेंट कराना है, याद करिए। अरे बोलो हाँ या ना, राइट? इसका मतलब फॉरवर्ड बायस में ये इसको ऑपरेट ही नहीं कराते, इसको ऑपरेट कहां कराते थे हम? रिवर्स बायस, और अंधेरे में बहुत छोटी करंट, लेकिन जैसे जैसे आप लाइट इंसिडेंट कराएंगे ऑप्टिकली जनरेटेड करंट की वजह से टोटल करंट बढ़ेगी, राइट? इतनी बात क्लियर है क्या सबको? सर इंटरनल फॉरवर्ड बायस, अरे स्टूडेंट्स अर्थ का अनर्थ मत करो, इंटरनल फॉरवर्ड बायस सोलर सेल में पढ़ाया था, यहां तो बायसिंग लगाते हैं साफ साफ,
सोलर सेल में कोई बायसिंग नहीं होती, लोड लगा होता है। जब लोड पर वोल्टेज बनता है तो उसकी वजह से फॉरवर्ड बायस बनता है। फाइन, हाँ, तो यहां कौन सा रीजन होता है? रिवर्स बायस। ओनली इन रिवर्स बायस इट कैन वर्क, राइट। फॉरवर्ड बायस में तो नॉर्मल डायोड जैसा हमारे पास स्ट्रक्चर होगा। फॉरवर्ड में आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स, क्या फॉरवर्ड में अवक्षय परत ही नहीं होगी? चलो कहां गया, जिस कहां थे हम लोग, तो किसी फॉरवर्ड बायस में लाइट इंसिडेंट हो ही नहीं सकती। तो लाइट अगर इंसिडेंट नहीं होगी तो जो करंट जैसी बन रही है वैसी ही रहेगी, रिमेन्स कॉन्स्टेंट। फॉरवर्ड बायस में लाइट अवक्षय परत पर इंसिडेंट करानी है स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट ही नहीं होता। कहां होता है? रिवर्स बायस, राइट। लाइट इंसिडेंट का कॉन्सेप्ट कहां है? रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस। इन ए फॉरवर्ड बायस फोटोडायोड अवक्षय परत ही नहीं है, राइट। और बिना अवक्षय परत के अगर आप लाइट इंसिडेंट कराओगे तो बॉन्ड नहीं ब्रेक करेंगे, डिप्लीशन विड्थ के अंदर बॉन्ड ब्रेक करते हैं फोटोडायोड में, पढ़ाया था। यस, तो ये कांस्टेंट रहेगी, जैसे नॉर्मल डायोड की करंट है वैसी रहेगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट 72, विच, एक मिनट 71 हो गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? एक फोटो डायोड किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का सही है। फोटो कंडक्टिव और फोटो रजिस्टिव, राइट। फोटो वोल्टेक कैसे हो जाएगा देवेश कुमार? फोटो वोल्टेक सोलर सेल है, मैं बता रहा हूं, नोट्स घर पे उठते भी नहीं है स्टूडेंट्स। चलो अब देखो 73, डार्क करंट, अंधेरे वाली करंट फोटोडायोड में कहां होती है? रिवर्स सैचुरेशन करंट, सी, 73 का सी है द रिवर्स सैचुरेशन करंट, राइट। क्योंकि डार्क करंट कैसी होती है स्टूडेंट्स, आपको याद होगा, लाइक दिस, एक करेक्टरिस्टिक ऐसी आती है I नॉट, फिर लाइट डालते हो तो फिर ऐसी आती है, और लाइट डालते हो तो फिर ऐसी आती है, और लाइट डालते हो तो फिर ऐसी आती है। ये होती है सबसे पहले अंधेरे वाली, दिस इज, ये है अंधेरे वाली डार्क करंट करेक्टरिस्टिक। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट है, कांस्टेंट होती है ये, राइट। कोई दिक्कत? क्लियर है सभी को? फाइन, अब देखो 74, कौन सा डायोड है जो लाइट इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज होगा? जंक्शन डायोड नहीं, वैरेक्टर नहीं, टनल नहीं, फोटो, 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 दैट इज द आंसर। यस, लाइट इंटेंसिटी को मेजर करना है अगर, तो स्टूडेंट्स लाइट इंटेंसिटी को सेंस कौन कर पाएगा? केवल और केवल फोटो डायोड। टनल डायोड में लाइट नहीं डलती, वैरेक्टर में नहीं डलती, जंक्शन में नहीं डलती, राइट। लाइट इंटेंसिटी कहां आती है? फोटोडायोड ओनली। फाइन, हाँ, नेक्स्ट, अब देखो 75, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर ए फोटो कंडक्टिव मटेरियल, इट्स डार्क कंडक्टिविटी इज स्मॉल। हाँ बिल्कुल, डार्क में कंडक्टिविटी कम आएगी, बिल्कुल सही बात है, डार्क कंडक्टिविटी कम होती है।
विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करता है ये, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बराबर प्रोड्यूस होती है फोटोकंडक्टर्स में। बिल्कुल सही बात, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो वन बी करेक्ट, टू बी करेक्ट, तो बेस्ट आंसर बोथ वन एंड। डार्क कंडक्टिविटी कम क्यों होती है, सबको पता है अंधेरे की बात है, तो अंधेरे में करंट कम बनेगी, रोशनी डालोगे तो ये रेडिएशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही बॉन्ड ब्रेक कराएगा, बॉन्ड ब्रेक करने पर बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होते हैं, राइट। तो यही रोक देता हूं मैं, बाकी आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, लेड सल्फाइड, और कोई ऑप्शन हमारे काम का नहीं दिख रहा, तो आंसर इज लेड सल्फाइड। बाकी अब आप लोग कर लेना, उस दो चार क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सोलर सेल किसका बना होता है, सिलिकॉन, ये सब देख के टिक मार लेना, नहीं तो नेक्स्ट में करा देंगे, फाइन, क्लियर। तो नेक्स्ट में स्टूडेंट्स और कुछ क्वेश्चंस हैं, लगभग 75 क्वेश्चंस और हैं, वो किसी दिन और ले लूंगा। तो इससे आपके स्पेशल पर्पज के क्वेश्चंस, इलेक्ट्रॉन ओनली स्टूडेंट्स, चलो आज स्टूडेंट्स और कोई क्लास नहीं है, इसके बाद चट्टान बैच की क्लास है, काउ बैच की अभी कोई क्लास नहीं है इसके बाद, राइट। और कल होपफुली मैं बीजेटी स्टार्ट कर दूंगा कल, फिर बीच में किसी दिन क्वेश्चन करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट पहले मैं ले रहा हूं आप लोगों का, राइट, ओके, फाइन। कौन से बैच में हो अखिल अभी आप, प्रदीप? माइक्रोवेव में वो होगा पार्ट, नहीं आज कोई क्लास नहीं है कमलेश, काउ बैच की अभी आज कोई क्लास नहीं है। हाँ एसी ब्रिज का लेक्चर अपलोड करवा देंगे, करवा देंगे, कैरी फोर्स सॉरी, उसमें वो वाला दो ब्रिज कंप्लीट हो गए थे, ठीक है चलो। ठीक है ओके, ईडीसी की पीपीटी ठीक है, कर देंगे, कर देंगे, पीडीएफ सेंड करा देंगे, ठीक है। यस कमलेश, हाँ ठीक है सुजीत, स्टार्ट करा देंगे। अभी स्टार्ट कहा हुआ अखिल की आप परेशान हो गए, जब स्टार्ट हो और ना आए तब बात है। हाँ बिल्कुल चलेगी, रेजिमेंट्स की क्लास भी रहेगी। एक मिनट, अब से कौन सा 50 पर क्या बोल रहे हो, फिफ्टी का सी कौन सा है, 50 सी कैसे हो जाएगा स्टूडेंट्स,
ऑलवेज वी आर गिविंग द प्रेफरेंस फॉर हैवली डोट एक्सट्रीम, जब केवल रिलेटिवली यहां पर जो वर्ड लिखा है वो केवल हैवली के लिए परिभाषित कर रहा है, तो मैक्सिमम क्या इसमें होगा, जीनर, राइट? 5% को निग्लेक्ट करोगे, डोमिनेंट इफेक्ट को बताओगे, दैट इज ए ओनली। चलो ठीक है, कल स्टार्ट करेंगे, कल बीजेटी स्टार्ट कर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है? न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन ऑफलाइन में मैं करवाऊंगा स्टूडेंट्स ना, ऑनलाइन में न्यूमेरिकल कर नहीं पाओगे। रिलेटिवली वर्ड लगा होता है आपसे, बताया था 90% और 10% का केस होता है, 10% निग्लेक्टेड होता है। क्लास में अगर क्लास की हो तो मैंने वहां ग्राफ में दोनों चीजें बोली हुई थी, वहां रिलेटिवली वर्ड यूज किया था, नहीं यूज किया था? हाँ, ऑफलाइन की स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटी 7 की अभी तक है, 7 से स्टार्ट हो जाएगा शायद। फ्रॉम 7 ओनली, 7 का आ रहा है, मतलब 7 या 8, 6 तक तो क्लोज है, 7 से ही गवर्नमेंट ने बोला है, अभी तक यही इंफॉर्मेशन है। अब देखेंगे सुमित आप लोगों की क्या पॉसिबिलिटी है, बात कर लेंगे। अभी कई स्टूडेंट्स घर चले गए हैं तो उनका भी नुकसान ना हो, देखेंगे ऑनलाइन की पॉसिबिलिटी ज्यादा रखेंगे, ठीक है? नहीं, अब से आप लोगों का यही रहेगा, अभी फिर देखेंगे। चलो ओके, ठीक है, वो देखेंगे स्टूडेंट्स क्या पॉसिबिलिटी है सुमित, ठीक है? अभी चिंता मत करो।